ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति के सागर बाबा की याद से हम बच्चे उनकी छत्र छाया में रहते हैं। बाबा की याद है छत्र छाया, जिसमें रहने से माया का परछाया नहीं पड़ सकता। और ये याद ही संगम युग पर छत्र छाया है, सतयुग का छत्र है। मंदिर में देवताओं को छत्र दिखाते हैं मूर्ति के ऊपर, देवताओं के राज्य में भी छत्र दिखाते हैं। ये छत्र तैयार करने की तरीका क्या है? संगम पर बाबा से सर्व संबंधों की छतरी तैयार करना। एक बाबा के साथ मन में याद, जिगर में प्यार, तो सर्व संबंधों का प्यार, माता पिता बंधु सखा स्वामी टीचर सतगुरु बालक बच्चा, इस सर्व संबंध जैसे छतरी की तारें होती है ना, अगर एक तार भी टूटी हुई है छतरी काम करेगी ना? धूप में रक्षा करेगी, धूप से तप बचाएगी ना, बरसात में भिगोने से बचाएगी। हाँ, सिर्फ डंडी का काम करेगी, सिर्फ सपोर्ट तो ठीक है, सहारा, परंतु छत्र छाया के लिए सर्व संबंधों का अनुभव, जिगर में जब प्यार है ना तो छतरी खुल जाती है। छतरी है, खोलो नहीं तो धूप में तपते रहेंगे ना। बाबा है, भक्ति में भी भगवान है, भगवान है, पर सर्व संबंधों का रस नहीं था। तो अभी बाबा हम बच्चों को अपनी छत्र छाया में बिठा के माया का परछाया नहीं पड़ने देते। फिर श्रीमत हम आत्माओं को शक्ति देती है, स्वमान में स्थित करा देती है। श्रीमत की पालना करने वाला सदा स्वमान में रहेगा, क्योंकि बाबा की श्रीमत आत्मा के श्रेष्ठ संकल्प, दिव्य बुद्धि और पवित्र कर्म की प्रेरणा अथवा डायरेक्शन है ना। तो मन कभी मूंझेगा नहीं, बुद्धि योग जुटा हुआ है, डिसीजन ठीक है, पश्चाताप नहीं होगा। कर्म श्रेष्ठ है, खुशी में सदा नाचता रहेगा। तो बाबा की श्रीमत अभी संगम पर हम समझते हैं, उसके आधार पर ही स्वराज मिलता है। भक्ति में तो भगवान की श्रीमत क्या है इसका भी मनुष्यों को ज्ञान नहीं है, कितना कंफ्यूजन है। अभी भगवान कभी कोई ऐसी डायरेक्शन देंगे जिसमें किसी को फॉलो करने की प्रेरणा ना मिले अथवा और ही क्वेश्चन उठे? पांडव कौरव आपस में लड़े, जुआ खेला, जो श्रीमत पर चलने चलाने वाले
वो ना लड़ाई झगड़ा करेंगे, ना कोई जुआ खेलेंगे, ना कोई किसी को धोखा कपट छल रखे करेंगे। तो बाबा की श्रीमत हमको श्रेष्ठ बनाती है, संकल्प भी श्रेष्ठ कराती है, तो कर्म तो श्रेष्ठ है ही है, क्योंकि संकल्प भी श्रेष्ठ है। तो इसलिए इसको श्रीमत को ही कहेंगे सुमत। भक्ति मार्ग में कहा जाता है भगवान इसको सुमत दे, मति इसकी मति भ्रष्ट हो गई है, भगवान को सुमति दे रहे, सुमति सबको सुमति दे भगवान। तो अब संगम पर भगवान सुमत दे रहे हैं, बुद्धि को दिव्य बना रहे हैं। भक्ति में कहते हैं, गीत गाते हैं ना, अल्लाह महात्मा गांधी जी के बनाया हुआ, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सुमति दे भगवान। तो अब भगवान सबको सुमति संगम पर हम बच्चों को दे रहे हैं, सुमत मिलती है, श्रीमत मिलती है, तो मति जो भ्रष्ट थी वो दिव्य और श्रेष्ठ बन जाती है। और जब मति दिव्य श्रेष्ठ बनी तो जो दिव्य नेत्र कल बाबा ने कहा ना परसों, संकल्प से ही ऐसा हो सकता है एक सेकंड में रूहानी दृष्टि दिव्य दृष्टि बन जावे, देह विमान का अंश मात्र ना रहे। ये एक्सरसाइज वो कर सकेंगे जिन्होंने पास पहले भगवान की मिली हुई मत बुद्धि दिव्य बनी है, उस आधार पर ही वृत्ति परिवर्तन, स्मृति परिवर्तन, स्थिति श्रेष्ठ। तो कल परसों बाबा ने ये चार एक्सरसाइज करने के लिए बताया, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, स्थिति। उससे अपने आप ही चेहरा मुस्कराता रहेगा, मुस्कराहट से दूसरों के दुख दूर हो जाएंगे, दर्शन मूर्त बन जाएंगे, कैसी भी परिस्थिति वाला होएगा वातावरण को बदली कर देंगे। तो जैसे भिन्न भिन्न एक्सरसाइज बाबा ने बताई है ना, अभी और ही सूक्ष्म ड्रिल कहें, अभ्यास कहें रूहानी मिलिट्री को। आज की मुरली है मीठे बच्चे, मीठे बच्चे बाप से तुम्हें सुमत मिली है, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। जो समझ मिली है ना, वो दूसरी आत्माओं को भी समझ देना, बुद्धि का सहयोग देना। क्योंकि भगवान की मुरली मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करती है, भगवान के महावाक्य ईश्वरीय ज्ञान अज्ञान अंधेरे को खत्म करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करता है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है, अंधश्रद्धा को खत्म करता है। क्यों? कि अंधश्रद्धा बस सब करते आए, नेत्र नहीं खुला था ना, इसलिए नेत्र खुल गया, तो संबंध जुटा, प्यार जुटा, फिर बाबा के लिए स्नेह और सम्मान दोनों है, तो संपूर्ण श्रद्धा है बाबा के लिए। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चों के अंदर कौन सी आश उत्पन्न होती है जो बाप ही पूरी करते हैं? सिर्फ संगम पर यह आश उत्तम है, श्रेष्ठ आश बाबा पूरी करते हैं। उत्तर है, संगम पर तुम बच्चों में स्वर्ग जाने की आश उत्पन्न होती है। पहले कभी सोचा भी नहीं था कि हम कोई स्वर्ग में जाएंगे, अभी यह नई आश उत्पन्न हुई है। यह आश एक बाप ही पूरी करता है,
ये आश पूरी होने के बाद फिर कोई आश नहीं रहती। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। पर हम ब्राह्मणों के पास भी तो सर्व प्राप्ति है ना, इसको सर्व प्राप्ति कराने वाला मिला, उनके पास किस चीज की अप्राप्ति हो सकती है। इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा भी क्या है, बाबा ने सूक्ष्म आश भी पूरी कर दी। गीत है, आखिर वो दिन आया आज, आखिर वो दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकते थे, जिसके थे मोहताज, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा आप गरीब निवाज, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। सभी भक्तों के लिए जरूर कोई दिन आना है ना, आखिर वो दिन आया आज। सब भगवान को ही याद करते हैं, बाकी सभी हैं सीताएं, भक्तनियां भक्त हैं, सभी दुखी हैं। याद करते करते आखिर वह दिन आता है जबकि बाप आकर हाथ पकड़ते हैं, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा आप गरीब निवास। उनको खिवैया भी कहा जाता है, बागवान कांटों को फूल बनाता है, जीवन नैया को पार ले जाते हैं, पतित पावन भी कहा जाता है। अब बच्चे जानते हैं हमने एक का हाथ पकड़ा है, उस एक का हाथ पकड़ा है, नास्तक से आस्तक बन गए। बाप ने बच्चों को अपना परिचय दे अपना बनाया है, किस लिए, स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। कोई भी अडॉप्ट करते हैं तो वरासत देने के लिए देते हैं ना, तो बाप से ही वर्षा मिलता है ना। अब बेहद का बाप परम पिता, इसलिए सब बच्चे जो भगत हैं उनको याद करते हैं। परंतु ये बात भक्त नहीं समझते कि सर्व का परम पिता बाप वर्षा देने आया है। कितना धूमधाम से बाजे गाजे बजाते तीर्थों पर जाते हैं, कुंभ के मेले लगते हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। ये वेद शास्त्र सब क्या है, भक्ति मार्ग की सामग्री है। इसलिए भगवान को याद करते हैं कि वो आकर के दुर्गति से छुड़ावे। भक्ति में भटकते हैं, दुर्गति हो गई है, पुकारते हैं दुर्गति से आके छुड़ावे, पुकारते रहते हैं, परंतु बाप का जिसको पुकारते हैं किसका, किसको पता ही नहीं है, बुलाते रहते हैं पर वो कौन है पता ही नहीं है। जिसको बाप का पता ना हो वो जैसे बच्चा बच्चा ही नहीं, पता ही नहीं तो बेचारा अनाथ है ना। दूसरी बात क्या है, फिर वो बच्चा बच्चा नहीं, बाप के साथ संबंध नहीं तो अनाथ जैसा जीवन होगा ना, दुखी होगा ना। और दूसरी बात, नहीं जानता तो कौन हुआ, नास्तक। ना अपना अस्तित्व पता ना बाप का अस्तित्व पता, इसलिए नास्तक। मैं कौन बाप कौन दोनों के अस्तित्व का पता नहीं है।
तो भक्त समझते हैं जो भक्ति ना करे वो नास्तिक है, परंतु बाप कहते हैं जिसके पास ज्ञान नहीं है वो नास्तिक है, क्योंकि अस्तित्व अपना भी नहीं पता, बाप का भी नहीं पता, घर का भी नहीं पता। तो बाप को ना जानने के कारण नास्तिक बने, और नास्तिक बनने के कारण दुखी दुख है। बाप का बच्चा बनने से सदा सुखी सुख है, सनाथ बन गए ना, आस्तक बन गए। तो बाप है स्वर्ग का रचयिता, वहां सभी तो नहीं चलेंगे, स्वर्ग में पुरुषार्थ करके चलने वाली आत्मा है ना, लिमिटेड नंबर ही आएंगे बाप से वर्षा लेने। वो कल बाबा ने बताया था ना, सूर्यवंशी बनने वाले चंद्रवंशी बनने वालों की क्वालिफिकेशन क्या होती है, लिमिटेड नंबर ही आएंगे बाप से वर्षा लेने। तो बाकी सब धर्म वाले, फिर बाकी सब धर्म वाले मुक्ति का वर्षा लेने आते हैं, उनकी चाहना ही यही है मुक्ति में जावे, मुक्ति का वर्षा लेते हैं। लेना तो सबको बाप से ही है, मुक्ति भी बाप से मिलती है, जीवन मुक्ति दाता भी बाप है, जीवन मुक्ति मुक्ति मिलने का तरीका क्या है। बाप कहते हैं, अभी मैं तुमको सहज से सहज बात समझाता हूं। क्या सहज से सहज बात है? बस मुझ अपने बाप को याद करो, मैं आत्मा, मुझ आत्मा का बाप है वो, मुझ अपने बाप को याद करो। और ये भी बाप समझाते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे, फिर से वो स्मृति को, विस्मृति को स्मृति में लाओ, हर 5000 वर्ष के बाद मिलते रहेंगे, निश्चय नशा और खुशी में रहो, हर 5000 वर्ष मिलते रहेंगे अपने लिए। तो जैसे पुरानी बात है, यानी अनेक बार मिले हैं, है भी सही गीता में, तेरे और मेरे अनेक बार मिलना हुआ, जन्म हुए हैं। कलप कलप तुम राज्य गवाते हो और फिर पाते हो, गवा लिया था फिर पाना है, 84 जन्म तुम ही लेते हो। ये जन्म बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तुम समझते हो हम पहले क्षीर सागर में थे, फिर आकर विश्व सागर में फंसे हैं। कोई सागर है क्या पानी का, या जहर का कोई सागर है क्या? विश्व विकार विश्व सागर, और एकता एक धर्म एक राज पवित्रता सुख शांति की दुनिया, उसको क्षीर सागर, श्री विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना। तुम समझते हो हम पहले क्षीर सागर में थे, फिर विश्व सागर में फंसे हैं। क्षीर सागर व विश्व सागर कोई है नहीं, यानी कोई कोई ये तो एग्जाम्पल है, परंतु पावन थे क्षीर सागर, यानी शुद्ध पवित्र थे। फिर माया रावण ने पतित बनाया, विषय विकारी बनाया ना, तो विषय सागर में आ गए, बेहद के विषय में, विषय विकार में फंस गए। अब फिर बाप पावन बनाने आए हैं। गीत में भी कहते हैं आखिर वो दिन आया आज। भक्ति मार्ग में तुमको कोई आश नहीं थी कि हम स्वर्ग के मालिक बने, भक्ति मार्ग में तो बस यही था तेरे चरणों की धूल हूं, धूल बनने की आश थी। ये भी बाबा ने कहा मैं तो तुमको नैनों का नूर बनाता हूं। बाबा को ये शब्द भी अच्छा नहीं लगता था, चरणों की धूल है हम। ये गीत बजता ना, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, इसमें एक लाइन आती है तुम्हारे चरणों की धूल हम है। तो गीत बजाने बजाता था तो बाबा कहते थे ये हटा दो, तुम तो मेरे नैनों के नूर हो, चरणों की धूल थोड़े ही हो।
तो ये है भगवान का बच्चों के लिए भावना और प्यार, भक्तों की धूल बनने की आस्ती, बाबा तो स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। ये तो बिल्कुल बुद्धि में बात ही नहीं थी कि हम कोई स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी गीता पढ़ते थे, सुनते थे, है सही गीता में कि हे अर्जुन तुम इस गीता ज्ञान से राजाओं के राजा बनोगे, परंतु समझ में नहीं था ना, परंतु ये आश नहीं थी। पढ़ते थे गीता पर ये आश नहीं थी कि हम राजयोग सीख कर नरसे नारायण बनेंगे। यही भक्ति और ज्ञान में फर्क है। भक्ति में शास्त्र पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, भगवान ने अर्जुन को सुनाया, ऐसे ही सुन के पूरी करते हैं। तो अब कोई किसी दूसरे को बात कह रहा है तो दूसरे तो कह रहे हैं, हमको थोड़ी कह रहे हैं। सारा उम्र यही भगवान ने अर्जुन को सुनाया, वो अंदर फिट कैसे होएगी? अब भी पता है मेरे को सुना रहे हैं, तो फर्क संबंध जुटा ना। तो पढ़ते थे पर ये आश नहीं थी कि हम राजयोग सीख कर नरसे नारायण बनेंगे। तो अनायास ही बाप ने आकर प्रवेश किया। बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हारी स्वर्ग की आश पूरी करने आया हूं, क्योंकि मर की जाते हैं ना तब कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, किसी दूसरे ने कहा स्वर्गवासी हुआ, हुए तो नहीं ना, आश थी परंतु दूसरों ने आशा रखी बेचारा स्वर्ग में जावे, गया। अभी बाबा कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग में ले जाता हूं। अब स्वर्ग में चलने की आश बुद्धि में धारण करो, समझा? वो तो मरने के बाद दूसरे कहते थे स्वर्ग पधारा, बाबा कहते नहीं अभी तुम, मैं तुमको स्वर्गवास में सब प्रकार के सुखों को प्राप्त कराने आया हूं। तो अब स्वर्ग में चलने की आश बुद्धि में धारण करो। स्वर्ग का रचता है बाप, स्वर्ग में चलना तो पवित्र बनना होगा ना। वो बहुत सहज रीति बैठ समझाते हैं, स्वर्ग में चलना तो विकारों को जीतना होगा ना, विषय विकारों पर जीत पानी है। हाँ, काम महाशत्रु है, ये तो सन्यासी भी कहते हैं, इसलिए घर बार छोड़ देते हैं। वो तो हुई एक दो की बात, यानी थोड़े कोई कोई सन्यासी बनते हैं। उनका निवृत्ति मार्ग का पार्ट ड्रामा में है, वो तो है ही भक्त, गॉड फादर कहते हैं, लेकिन कौन है गॉड, है कौन ये नहीं जानते। या तो खुद कोई भगवान कहेंगे, या सब कुछ भगवान, सब कोई भगवान है, या नेति नेति कहेंगे, नहीं जानते। फिर बाप कहते हैं, अच्छा एक तरफ कहते हैं ओ गॉड, दूसरे तरफ फिर कहते हैं भज राधे गोविंद, चलो कृष्ण वृंदावन बंद, किसको भजे? भज राधे गोविंद, कृष्ण का नाम फिर गोविंद रख दिया है, पर जो सुना है वो लिख दिया। भला गोविंद किसको कहें, ये गोविंद नाम किसका? गऊओं को चराने वाला, मुरली सुनाने वाला, वो तो एक ही बाप है, और वो भी है भी ह्यूमन गऊ की बात, माताएं गऊ, पुरुष बैल, ये निशानी माताओं के लिए है, ह्यूमन के लिए है।